गए, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है। शारी क्या कर रही है? अबे छोटे चुरान पप्पू पॉकेट, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ये जो गाड़ी चलाने का तू फ्लेक्स कर रहा है, इसको चलाने के लिए तेरे पास लाइसेंस भी है? और वो छोड़, तुम दोनों के पास डायपर है, क्योंकि जब पुलिस वाले तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए देखेंगे तो वो जो तुम्हारे दो लपड़ लगाएंगे, उसके बाद तुम्हारा जो सुजू निकलेगा उसको रोकने के लिए डायपर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने आने वाली चुप करवाने के लिए। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मूड थोड़ा सा खराब है तो फिर अपना काम खल्लास। कैजुअल कपड़ों में बुलाया था, ठीक है? और ये बंदी देखो, ये कैजुअल कपड़े तेरे? ये मेरी ड्रेस की बात कर रहा है, एक मिनट दिखा फोन जरा। ये तो टट्टी है भाई की मूछे हैं भाई, सबसे ज्यादा सेक्सी भाई। वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। एक सेकंड होना रहे। हेलो रॉयल सर्कस, आपका जोकर नहीं आया? अरे हाँ, वो तो रील बनाने में बिजी है अपनी आइटम के साथ। सारी उम्र में जोकर जबड़े यारे हाँ। ब्रो इज नॉट अ छपरी, छपरी इज द ब्रो। गूगल पे बैठ के अगर मैं छपरी सर्च करूँ ना तो भाई की शक्ल आती है। इन लोगों के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ये सब पोस्ट कर पाने के लिए? इनको एक सेकंड के लिए कभी फील नहीं होता कि व्हाट वी आर मेकिंग इज एक्चुअल क्रिंज। बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए। बड़ी खबर, एल्विस ने खुद के बारे में जानकारी दी है। उसने लिखा, दोस्तों मैं बीमार हूँ, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा। एल्विस यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और अपने बारे में जानकारियां देता है। ये नई बात उसने अपने बारे में लिखी है, मैं बीमार हूँ और आज कोई ब्लॉग नहीं डालू। कल से दोबारा मस्ती चालू, एल्विस ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। पर एल्विस की तरफ से जो जानकारी डाली गई है हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर। ब्रो लिटरली सेड आज की बड़ी खबर कि एल्विस जो है आज व्लॉग नहीं डालेंगे। ये इन मीडिया वालों के लिए अब बड़ी खबर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एल्विस ने बोला है कि वो आज वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बड़ी खबर, ये नेशनल न्यूज है। पीपल एक्चुअली वॉच ऑल दिस। और इन लोगों को ये बोलते हुए कि ये एक बड़ी खबर है, शर्म भी नहीं आ रही। अरे शर्म करो, इंडियन न्यूज चैनल्स। नोट कर लो भाई, ये सब सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में काम आ सकता है ये। भाई एक जमाना था जब न्यूज चैनल्स पे एक्चुअली तुम्हें न्यूज दिखाई जाती थी। आजकल न्यूज में क्या दिखाया जाता है? क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? आज हम बताने वाले हैं आपको वो वाक्या जब बीवी ने बजाया किम का बैंड। भाई की खुशी देख रहे हो? यस। ओहो हो भाई, सुपर एक्साइटेड है, शक्ल देख रहे हो एंड में कैसे बना रहे हैं। फाइनली डन इट। पूरी जिंदगी सिंगल रहने के बाद ये इंजीनियरिंग का लौंडा जो है फाइनली ही वॉज एबल टू लैंड अ गर्ल। भाई की शादी हो गई, उसकी एक्साइटमेंट देखो। हो गई आज फाइनली, पूरी जिंदगी का व्रत आज पूर्ण हुआ। भाई फॉर रियल हिला हुआ है थोड़ा सा। आई कैन रिलेट टू दिस गाय। या तो भाई बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है और जिंदगी में कभी किसी लड़की से बात नहीं कर पाया, या तो भाई को इतनी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उसके साथ भी कभी ऐसा होगा। लेकिन आज वो दिन आ चुका है व्हेन ब्रदर हैज फाइनली गॉट अ गर्ल एंड ही इज वे टू एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस गाय। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपके पीछे कभी चीता पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ओहो, नोट कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, काम आएगा। भाग कर आप इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते क्योंकि आपका पाला दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जानवर से है। चीते कार से भी तेज 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर आप जंगल में है तो पेड़ पर चढ़कर भी आप नहीं बच सकते क्योंकि शिकार के लिए कहीं भी चढ़ सकते हैं। चीते की पूंछ अगर सीधी है तो समझ लीजिए वो आप पर हमला करने के लिए रेडी है। ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि अपने आंखों को उसके आंखों से मिलाकर रखना है क्योंकि आप उसके लिए एकदम नई चीज है, आप उसका नॉर्मल खुराक नहीं है। इसलिए चीता हमला खुद के बचाव के लिए कर रहा होगा, ना कि खुराक के लिए। आप हाथों को जोर जोर से हिलाकर ताली बजाते हुए चिल्लाना चीखना शुरू कर दे। अगर इसके बाद भी चीता हमला कर दे तो आपको फिर भी घबराना नहीं है। चीते की शुरुआती हमला बनावटी हमला होगा जो आपको बस डराकर भगाने के लिए होगा। अगर आपके पास बैग पर्स या जूता है तो उसे उसके बाजू में फेंक दे ताकि वो उसमें उलझ जाए। अगर इसके बाद भी अगर चीता अपने कदम को पीछे कर रहा है तो समझ लीजिए आपके गर्दन को दबोचने का प्लान है। ऐसे में आप उसके आंखों पर मुक्के से लगातार प्रहार करते रहें जिससे उसे दिखना बंद हो जाएगा और आप भाग सकते हैं। अगर इससे भी काम ना बने तो अगला काम चीता खुद कर लेगा। All this guy said was, चीते की आंखों पे घूसा मारो और भाग जाओ। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। अबे अबे क्या? हेलो भाई, मैं चीते के पेट में से बोल रहा हूँ। हाँ अभी बताइए क्या करना है। आपने तो बोला था घबराइए मत, घबराइए मत, अभी बताता हूँ तरीका। आपने तरीका तो बताया नहीं। और चीते की आंखों पे मुक्का मारने गया, वो निकल गया मेरे को। हेलो, चार बार भाई ने बोला घबराइए मत। फिर भी घबराना नहीं है। नहीं घबरा रहा पर करना क्या? फिर भी घबराना नहीं है। चल, ऐसे कैसे तेरी माँ तेरी शादी कहीं और करा देगी? मैं भी गैंगस्टर हूँ बेटा,
तेरे शादी के मंडप को कब्रिस्तान बना देगी। तू गैंगस्टर है, ये तूने बोल दिया मैंने मान लिया, उसके बाद नाच के क्या दिखा रही है? मैं गैंगस्टर हूँ। अच्छा तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। काश मेरी भी एक ऐसी गर्लफ्रेंड होती जो मुझे भी ऐसी ही धमकियां देती और फिर उसके बाद ऐसे 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 करती। भाई तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन से चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है? तू क्या हो चुका है आजकल की जनरेशन को भाई? आशीर्वाद अगर तुम्हें लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा झुक जाने में कितना कष्ट पड़ता है यार। मतलब आशीर्वाद भी लेना है तो कौन से चरण स्पर्श करके ले यार। पांव छूने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सिफाली आ गई। सिफाली, रचना मैं तेरे पास ही आ रही थी। तू लकी जी को छोड़ क्यों नहीं देती? तू जानती है ना मैं लकी जी से कितना प्यार करती हूँ। लकी जी से तो मैं भी प्यार करती हूँ। लकी जी से तो मैं भी प्यार करता हूँ, मैं क्यों छोड़ू? लकी जी मुझसे प्यार करते और मैं लकी जी से। लकी जी मुझसे भी प्यार करते हैं। अच्छा ये बातें, तो आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। स्टिल बेटर एक्टिंग देन आर्चीज। लकी जी किससे प्यार करते हैं? ये पकड़ मेरा फोन, इसमें कॉल चालू रहेगा, तू खुद सुन लेना। लकी जी किससे प्यार करते? लकी जी मुझसे प्यार करते हैं। लकी जी। हाँ सिपाली बोलो। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, और रचना भी कॉल पे ही है, वो भी आपकी सारी बातें सुन रही है। हाँ, कितनी खुश है। आप बताइए आप मुझसे प्यार करते हैं या रचना से? अरे पागल ये भी पूछने वाली बात है? तुमको नहीं पता मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। What is going on? पहले तो लकी जी मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हो यार। कुटी बिटिया ये क्या कह रहा है? Another video जो मैंने पूरी पता नहीं क्यों देखी। ऐसी videos पता नहीं मैं एंड तक देखता क्यों, क्या सोचता हूँ मैं कि क्या होगा? मुझे लगा था भाई कोई एनिमल लेवल नेक्स्ट लेवल शिट होगी इसमें, जिसपे भाई तृप्ति दिमिरी और रश्मिका के बीच में लड़ाई होगी, ऐसा कुछ होगा। मतलब भाई लकी जी भी लगे मेरे को तो दोनों पसंद है और वो दोनों खुश भी है आपस में। ये लड़कियां कहां मिलती है जो अपने पति को किसी और के साथ शेयर करने में भी दे आर वेरी हैप्पी। I can't। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं गाइस कैंसल नहीं होना चाहता। मैं सच में चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस आगे भी बनाता रहूं। मेरे द्वारा बोला गया एक एक शब्द जो है इस मोमेंट पर मुझे कैंसल करवाने की कगार पर खड़ा कर रहा है। ये जो मैं हंस भी रहा था अभी, हो सकता है इस चीज के लिए भी कोई ना कोई मेरे से ऑफेंड हो जाए। मुझे क्षमा कर दो। मैं जात विवाद में कभी नहीं घुसूंगा। और कल के लिए I'm sorry. You should be, you forgot me. No, don't say that. तो फिर क्या बोलूं? Just forgive me, please. Okay, fine. मैं जेन्युइन ओपिनियन देना चाहूंगा यहाँ पे अपनी आर्चीज मूवी के बारे में। मैंने आर्चीज मूवी देखी एंड मुझे मूवी का जो सेटअप था, जो विजुअल था, वो सब बहुत अच्छा लगा। बट द एक्टिंग भाई, आई डोंट नो ये ऐसा एक्ट करने का एक्ट कर रहे थे या फिर ऐसा ही एक्ट कर रहे थे, बट द एक्ट जो ये कर रहे थे वॉज वेरी ओवर एक्ट। आए क्या बोला मैंने? इसको देख के अर्जुन कपूर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, इसको देख के अनन्या पांडे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि शायद अनन्या पांडे ने एक्चुअली में लाइफ में स्ट्रगल करी है। एंड वी ऑल वर रॉन्ग व्हेन शी सेड माय डैड हैज नेवर बीन इन अ धर्मा फिल्म, ही नेवर वेंट ऑन कॉफी विद करण। दिस सीन वाज लाइक प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं नाराज हूँ तुमसे, प्लीज मत हो, अच्छा नहीं होंगी, मैं क्या करूँ, कुछ मत करो, ठीक है, ओके। आर यू फॉर रियल? मतलब ये लोग जान के ऐसा गंदा एक्ट करने का प्रिटेंड कर रहे थे या फिर ये सीन की डिमांड थी? आई डोंट नो मैन, मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैं नहीं हूं एक्टर, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बोलूंगा तो तुम लोग मेरे को बोलोगे कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला। तेरा बाप हूं। साउथ इंडियन फूड ईटिंग चैलेंज के लिए समोसा खाऊं या इडली खाऊं? इडली खाऊंगा। ब्रो समोसा तो साउथ इंडियन डिश भी नहीं है, ऑब्वियसली इडली ही खाएगा ना। आलू का पराठा खाऊं या डोसा खाऊं? डोसा खाऊंगा। अगेन आलू का पराठा तो साउथ इंडियन डिश भी नहीं है, डोसा ही है। साउथ इंडियन फूड ईटिंग चैलेंज में डोसा ही खाएगा ना। टमाटर की चटनी खाऊं या नारियल की चटनी खाऊं? नारियल की चटनी खाऊंगा। तू दो थप्पड़ खा मेरे से। इस वीडियो से मुझे यही शिक्षा मिलती है कि अपनी औकात से ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई शिक्षा जो है बहुत जरूरी है, और जिन जिनको शिक्षा नहीं मिली है वही ऐसी चीजें करते हैं फिर सोशल मीडिया पे बैठ के। व्हाट वाज ब्रो इवन ट्राइंग टू अकम्प्लिश? साउथ इंडियन डिश के नाम पे मैं डोसा खाऊं या पराठा? अबे तेरे पिताजी ने दो लप्पड़ लगाए होते ना, तेरे को तो ये दिन नहीं देखना पड़ता उनको।
भाई पड़ोस वाली पट गई। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मेरा मूड वैसे वीडियो जब मैंने स्टार्ट करी थी बनानी तब थोड़ा सा खराब था फॉर सम रीजंस, बट अभी आई फील मच बेटर। मैंने यही करना आज का, जब भी मेरा मूड खराब होना मेरे वीडियो बनाने बैठ जाना। एनीवेज गाइस, लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।